हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार टेलीविजन केयर चैनल में। आज हमारे पास सैमसंग का एक 14 इंच का टीवी आया है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर पैनल शॉर्ट है, डबल पिक्चर आ रही है और पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, पूरे से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइन ने कवर कर रखा है। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिर चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका मॉडल नंबर है वो है UA40EH5300। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने इसका बैक कवर हटा दिया है, ठीक है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम दिखाऊंगा। तो टीवी को मैंने कर दिया स्विच ऑन, आगे हमारी रेड लाइट, बैक लाइट है कोई हमारी ऑन, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर पिक्चर आ रही है पर पूरे में लाइन और डबल इमेज आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आपको जो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ टीवी को ऑफ। अब मैं पहले तो मैं आपको इसके सारे वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से वोल्टेज इसमें बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे। मेरा जहाँ तक अंदाजा है इसके अंदर सारे वोल्टेज बन रहे होंगे और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप सोचेंगे कि इसमें पैनल शॉर्ट है, पर ये पैनल शॉर्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहले मैं आपको सारे वोल्टेज चेक कराता हूँ। इसे कर दिया हमने कनेक्ट, सेट होएगा हमारा, सेट को करेंगे हम ऑन, वो करेंगे हम वोल्टेज चेक सारे के सारे कि कौन कौन से वोल्टेज हमारे बन रहे हैं इसमें और कौन कौन से नहीं बन रहे हैं। अब मैं सेट ऑन कर देता हूँ अपना, सेट हमारा ऑन होएगा। अब बैकलाइट जल गई। सबसे पहले पैनल के वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखेंगे कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। पास कर देता हूँ मीटर को, 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट बार भी करा रहा है जो हमारा फ्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे AVDD वोल्टेज बन रहे हैं, प्लस वोल्टेज HVDD, ठीक है, VGH बन रहे हैं, VGL बन रहे हैं, ठीक है। सारे वोल्टेज इसके अंदर हमारे बन रहे हैं, यहाँ तक कि पेयर के वोल्टेज भी हमारे इसमें प्रॉपर जा रहे हैं। ये देखो, पेयर के वोल्टेज भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है क्यों आ रही है, इसमें क्या होता है। पहले तो मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ इसमें। तो इसमें सारे वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, ठीक है। सारे वोल्टेज बनने के बाद ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, या तो हमारा पैनल शॉर्ट है या तो हमारा टीकॉन में प्रॉब्लम है, पर टीकॉन में हमारे सारे वोल्टेज प्रॉपर हमारा टीकॉन बना रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कभी कभार क्या होता है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर थोड़ी सी भी वैल्यू में अप डाउन होगी किसी वोल्टेज में या एम्पियर में या किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू अप डाउन हो जाएगी, ओवर करंट जाएगा, ओवर वोल्टेज जाएगा, तो भी ओवर हो सकता है, पॉइंट माइनर से भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा हो जाए, कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू अप डाउन हो जाए तो भी उससे भी ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हमेशा पैनल शॉर्ट नहीं होता। तो चलिए फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो हम चेक करते हैं थोड़ा, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इसमें फॉल्ट जो फाइंड किया है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, यहां पे जो रेजिस्टेंस है हमारी, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1.7 के समथिंग होनी चाहिए, और इसकी जो वैल्यू अभी आ रही है वो आ रही है 128 के। तो इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए फिर रेजिस्टेंस चेंज करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये खराब टीकॉन पड़ा है, स्क्रैप है, इसमें से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, ढूंढूंगा और उसके बाद मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फिर रेजिस्टेंस शुरू कर रहा हूं मैं ढूंढना।
फ्रेंड्स मुझे रेजिस्टेंस मिल चुकी है यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिल गई है ये वाली। इस रेजिस्टेंस को मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेंज करना शुरू करते हैं हम। पहले मैं इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ बिल्कुल चाहिए। तो मैं इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ जो रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। ये देखेंगे कि मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली है, अगर आपको दिख रही हो तो। ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल ली है, अब इसको मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस निकाल के वाली रेजिस्टेंस लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसकी मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया, जैसे कि आप देखेंगे रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब मैं इसमें दूसरी रेजिस्टेंस निकालूंगा, लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं दूसरी रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ इसमें, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया है, अगर आपको दिख रही हो तो। अब फिर रेजिस्टेंस को मैं लगाऊंगा इसमें, ये आप देखिए कि मेरी रेजिस्टेंस एकदम परफेक्ट लग चुकी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मेरी परफेक्ट लग गई है। अब मैं इसको इसकी वैल्यू भी चेक करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं इसकी वैल्यू चेक करके दिखाऊंगा आपको, जरा फोन को मैं यहाँ रखता हूँ और वैल्यू मैं आपको जरा दिखाऊंगा मीटर में, ठीक है। ये मीटर है, मीटर में आप मैं इसको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ आपको कि क्या वैल्यू है इसकी। ये मैंने ओम्स पे सेट कर रखा है, ठीक है, 20 ओम्स पे, 20 के पे सेट कर रखा है मैंने इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे 1.8K, ठीक है, 1.8K इसकी वैल्यू हो गई है। और पहले जो इसकी वैल्यू थी वो थी 126.5 समथिंग थी इसकी वैल्यू, 126, मतलब 128K तक चली गई थी रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू जो थी गलत थी। अभी आप देखेंगे पॉइंट में आ रही है इसकी वैल्यू 1.8687, ठीक है, सॉरी। अब हम रेजिस्टेंस लगा के अब हम जरा टीक ऑन कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारी लग चुकी है। अब हम टीक ऑन कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आया। टीक ऑन में कनेक्ट कर रहा हूँ, फ्रेंड्स। ये नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसी ऐसी नॉलेज और पाने के लिए मेरे चैनल को आ रही सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये मैं टीकॉन कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने टीकॉन कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसकी जो है वायर को लगाने से पहले बार जरा ब्रश मार के साफ कर लो, कोई स्क्रू वगैरह ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। जब हमारा सेट ऑन हो गया, देखेंगे कि हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल ओके हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर हो गई है हमारी। जो लाइनें थी वो बिल्कुल चली गई है, गायब हो गई है लाइनें। अब मैं इसमें आपको जरा वीडियो चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसमें वीडियो प्ले कर दी और आप देख सकते हैं कि क्या सुपर क्लैरिटी आ रही है, एक भी लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम बढ़िया पिक्चर आ रही है, देखेंगे आप। तो यही था इसका फॉल्ट, और फॉल्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, फॉल्ट फाइंडिंग कैसी लगी आपको। इसी तरह के और नॉलेज के लिए और फॉल्ट जानने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखेंगे कि वो जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी, ये रेजिस्टेंस जो हमने लगाई थी
ठीक है, 1.8K की रेशन थी और हमारी पिक्चर जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल टेलीविजन केयर को और अच्छी अच्छी टेक्निकल नॉलेज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।